नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने जगहों पे सही होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज एक आर्ट वीडियो है ये, और बेसिकली ये मैं टेक्सचर्ड पेपर के ऊपर कर रहा हूं। रिजल्ट आर्टिस्टिक एक्सपेक्टेड है, हालांकि मैं ठीक नहीं हूँ पूरी तरह से, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ आर्ट वर्क करूँ ताकि मैं अपने आप को कहीं इन्वॉल्व रख सकूँ और महादेव हम पे कृपा करें। दोस्तों इसीलिए मैंने ये पोर्ट्रेट एक्चुअली बनाया भी है। हम सभी पे कृपा करें और हम सभी ठीक हो जाएं, हम सब पूरा भारतवर्ष पूरा विश्व ठीक हो जाए, मेरी यही उम्मीद है। तो यहाँ मैं पेपर जो यूज़ कर रहा हूँ वो टेक्सचर्ड इंग्रेस पेपर है, और जो स्टाइल मैं यूज़ करूँगा वो एक आर्टिस्टिक स्टाइल है। तो मैं रियल इमेज से रिसेम्बल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और क्योंकि ये इमेज मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो ये ड्राइंग है इसको मैं फ्रेम करके मैं चाहूँगा कि मैं अपने स्टूडियो में भी लगाऊँ। तो मैं और भी नहीं कोशिश करूँगा कि मैं रिसेम्बल करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ महादेव अपनी एक स्टाइल के महादेव बनाऊँ। बस केवल रेफरेंस इससे लिया जाएगा, मतलब इंस्पायर इससे हुआ जाएगा, और तरीका आर्टिस्टिक है। तो कोशिश ये रहेगी कि कितना अपना इम्प्रेशन एक्सप्रेशन को इवॉल्व किया जा सके। बस केवल रेफरेंस लिया जा रहा है इसको, ताकि शेप जो है फेस के वो कुछ हद तक रिसेम्बल किए जा सके। बाकी पूरा एज इट इज़ डिक्टो कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होगी। तो उसी हिसाब से आप भी समझिएगा, कोशिश कीजिएगा पोर्ट्रेट को, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी ये टेक्निक और आपको पसंद आएगा ये। और आप सभी लोग दोस्त खुश रहो आप लोग, और जहाँ भी हो सुरक्षित रहो, मेरी यही कामना है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इसलिए अभी मैं अपने बोलने वाली चीज़ को बंद करता हूँ, और ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ड्राइंग स्टाइल पसंद आया होगा, इसमें जो ओन क्रिएशन है वो पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो मेरा नया चैनल है ब्लॉगिंग का, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।